गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास 5 का मैथ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1। तो पहले के वीडियो में हमने क्या देखा था, आवर नेशनल फ्रूट मैंगो, हमारा जो राष्ट्रीय फल मैंगो है। तो हमने यहाँ पे इसकी पूरी स्टोरी देखी थी, क्या भाव है, कौन कौन से टाइप के आते हैं और कैसे होते हैं, फिर कहाँ उत्पादन होता है, फिर वो मार्केट में जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे फ्रूट मार्केट। तो हैव यू एवर विजिट अ मार्केट यार्ड फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट। हमने प्रायः देखा है मार्केट में फ्रूट और वेजिटेबल। इफ़ यस, डू यू नो व्हाई इज़ दिस नॉइस प्लेस नो एज अ मार्केट। मतलब देखा है तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे इतनी आवाज़ें क्यों होती हैं। द मेजर फ्रूट मार्केट्स ऑफ द सिटी आर बिजी। जहाँ पे मार्केट होता है वहाँ पे क्या होती है, बहुत उस भीड़ भी रहती है वहाँ, मतलब लोगों का आना जाना लगा रहता है। अ लार्ज स्टॉक ऑफ द मैंगो हैज़ अराइव्ड इन द मेनी व्हीकल्स। अब जो मार्केट होता है वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग स्टेट से बड़े फ्रूट या वेजिटेबल्स मार्केट में आते रहते हैं, फिर वहाँ से क्या होता है, अलग अलग जो व्यापारी होते हैं उसको ले जाते हैं, इसलिए वहाँ पर भीड़ लगती है। द सेलर आर द कॉलिंग द कस्टमर आर साउटिंग। जो कस्टमर जो सेलर होते हैं, जो बेचते हैं, वो क्या करते हैं, कस्टमर को चिल्ला चिल्ला कर बुलाते हैं। स्पीकिंग आउट द प्राइस एंड प्रेसिंग देयर ऑन द मैंगोस। वो क्या करते हैं, अपने मैंगो की क्वालिटी, मैंगो के प्रकार, वो प्राइस सब क्या करते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। इस वजह से क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे नॉइस रहती है। अब यहाँ पे क्या है, सावजी भाई कम हियर, क्यों, जो शॉप सेलर होता है कहते इधर आओ। बाय द वलसाड़ी तोतापुरी एट द रेट ऑफ 40 पर केजी। क्या चिल्लाते हैं कि तोतापुरी मैंगो है 40 रुपया पर केजी। फिर वहाँ से दूसरा है महिपत भाई, वो क्या कहते हैं, नेवर सो चीप, मतलब ये सस्ता नहीं है। तो अल्फासोनो एट द रेट ऑफ 60 रुपये पर केजी। मधुबेन इज सेलिंग गुड क्वालिटी केसर मैंगो रेट ऑफ 150 केजी। जो भी मधुबेन होती है उनकी क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती है, वो क्या होती है, 150 पर केजी। एक किलो का दाम कितना होता है, 150 रुपीज़। राजाराम सेलर्स लंगड़ो मैंगो एट द रेट ऑफ द 50 पर केजी। जो राजाराम होते हैं वो, उनके जो मैंगो की प्राइस क्या होती है, 50 रुपीज़ पर केजी रहती है। लुक हियर दिस साइड जगदीश पिस हैज़ ए ब्राउड फ्रेगनेंस रॉ केसर मैंगो फ्रॉम ए गिर टू बी ए रिपेड एट द होम 8 kg बॉक्स। वो क्या कहते हैं, जो जगदीश पिस सिंह हैं, वो क्या कहते हैं, कच्चा मैंगो लेते हैं और क्या कहते हैं, घर पे पकाते हैं। तो ही से दैट दिस मैंगो विल बी द रिपेड एंड योर होम इन द ऑर्गेनिक वे एंड ही विच चार्ज 1200 पर बॉक्स। तो जो 8 बॉक्स तैयार करते हैं उसका जो चार्ज होता है 1200 पर बॉक्स होता है, वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, एट व्हाट प्राइस द पर के जी डज जगदीश प्रिंस सेल द केसर मैंगो। मतलब यहाँ पे जो उन्होंने 8 बॉक्स लिए हैं उसका रेट क्या है, पूरा 1200 है, तो वो कितने रुपये से भाव से बेचते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। टुडे मधुबेन हैज़ सोल्ड 100 केजी केसर मैंगो, हाउ मच डे डिड ही अर्न द मैंगो। तो जो मधुबेन है उसकी जो प्राइस होती है वो कितने होती है, 100 पर केजी। तो उन्होंने कितना बेच सोल्व किया है, 100 केजी। तो अगर 150 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 1500, तो कितना आ जाएगा, 1500 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ पे अर्लियर वुमेन वेयर नॉट एक्टिव इन मैंगो बिजनेस। जो पहले के जो वुमेन थे वो मैंगो सेलर में इतनी एक्टिव नहीं थी, बट नाउ द मधुबेन एंड अदर वुमेन आर इंगेज द मैंगो बिजनेस। फिर जो मधुबेन होती है और दूसरे जो वुमेन होते हैं वो मैंगो बिजनेस को और बढ़ाने का क्या कहते हैं, प्रयास करते हैं। थिंक्स आर चेंजिंग नाउ, क्योंकि जो थिंकिंग हो गई थी वो चेंज हो गई थी। देयर बैंक ऑल्सो हेल्प देम द डेट, मतलब अब बैंक भी क्या कर रही थी, उनकी हेल्प करती थी लोन देने में या फिर दूसरे जो फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने में। दिस वुमेन आर गिव एम्प्लॉयमेंट और टेंट। वो क्या करती है, ये सब जो वुमेन होती है दूसरे वुमेन को भी क्या करती थी, एम्प्लॉय में, काम में लगाती थी, जैसे उनकी भी कुछ इनकम होती थी।
बिजनेस ऑफ टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होम रिलेटेड ट्रेनिंग टू हेल्प देम बिकम सेल्फ रिलेंट एंड कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ देयर फैमिली। मतलब जो मधुबेन और दूसरी जो औरतें होती थी वो क्या करते बड़ी मात्रा में इस चीज़ का काम चालू कर दी, जिससे कि जो दूसरी भी औरतें होती थी उनको भी काम काम मिलता था और जिससे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी हो जाती थी। तो यहाँ है वाई डज नॉट वी स्टार्ट द बिजनेस प्रिपेयरिंग मैंगो पल्प, जो मैंगो का पल्प होता है क्यों नहीं स्टार्ट करते थे। तो सम वुमेन एसोसिएटेड विद द वुमेन अमरा बैंक वॉन्ट टू स्टार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ द प्रिपेयरिंग मैंगो पल्प एट होम। तो यहाँ पे कुछ वुमेन होती है वो क्या करती तैयार करती हैं जिससे कि मैंगो का रस घर पे तैयार कर सके। दे हैव एक्वायर्ड द प्लेस फ्रॉम द पंचायत फॉर इट। दे हैव सेव्ड 74,000 लास्ट ईयर। दे मेड ए कैलकुलेशन इन द अमाउंट द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप न्यू इंडस्ट्री। तो मतलब कि उन्होंने जो देखा कि जो उस साल का उत्पादन हुआ था वो 74,000 का हुआ था लास्ट ईयर। सो क्या किया उन्होंने, फिर कैलकुलेट किया उसके बाद उस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप। फिर उन्होंने क्या किया, सोचा कि चलो न्यू इंडस्ट्री स्टार्ट की जाए। तो मधुबेन प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड आइटम बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्क। उसने कुछ उसके हिसाब से कुछ आइटम्स ही चालू किया जिसको उससे ही रिलेटेड हो। दिस आइटम शुड बी द परचेज द बिगिनिंग ऑफ द वर्क। सो कॉस्ट ऑफ नंबर आइटम द दिस थिंग्स आर गिवन इन द फॉलोइंग द टेबल फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे कुछ कॉलम्स दिए गए हैं जिस वजह से क्या होगा कि आपको वहाँ पे मालूम पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें किस किस रेट में खर्च हुए हैं। तो मिक्सर ग्राइंडर तो कॉस्ट क्या था वहाँ पे 3,000 था, तो आइटम कितना था 1, तो पूरा कॉस्ट कितना हो गया 3,000 का 3,000। तो थर्माकोल आइस बॉक्स फॉर प्रिजर्वेजिंग तो एंड ट्रांसपोर्टिंग मैंगो पल्प, जो वहाँ पे मैंगो आइस को मैंगो के पल्प को रखने के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए जो चाहिए था उसके लिए कितना था पूरा कॉस्ट आइटम 2,000 था और आइटम कितना था 20, तो कितना हो गया पूरा कितना हो गया 14,000। बिग पॉट कितना रुपये था 1,000, आइटम कितने जो 4, तो क्या 4,000 हो गया। ट्राई टू नाइफ ट्रे एंड नाइफ, जो ट्रे और नाइफ था कॉस्ट था 300 और कितना चाहिए 20, तो कितना हो गया पूरा 6,000। और बकेट 70 और 20, तो यहाँ पे जो टोटल करके आपको क्या बताना है कितना यहाँ पे खर्च हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे क्या हो मधुबेन क्या कर रही है एक नया आइटम चालू कर रही है जिसमें से उसको इतने इतने खर्च यहाँ पे चाहिए हुए। अब आगे हम क्या नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे कैसे इसका उत्पादन होता है, क्या करते हैं, कैसे किस तरह से इसको सेल करते हैं, वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या होते हैं सारी वुमेन अर्टिस्ट पल्प को निकालती हैं और उसको अच्छे प्रॉफिट में दूसरे दुकानदार को बेचती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ही हमारी वीडियो ख़त्म होता है।